नमस्कार दोस्तों, प्रेप इंडिया में आपका स्वागत है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स के एवरेज के चैप्टर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 1, जिसमें हम सीखेंगे एवरेज के कॉन्सेप्ट्स। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, आप हमारा चैनल अगर प्रेप इंडिया फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस जो भी मैं बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। तो एवरेज का चैप्टर पढ़ने से पहले देखते हैं कि एवरेज का रेलेवेंस क्या है, यानी कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। एवरेज जो है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नीचे हम थोड़े एग्जाम्पल्स देखेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि एवरेज का इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे कि एक क्लास के बारे में हमें जानना है कि क्लास कैसा फेयर कर रही है, क्लास अच्छा कर रही है या क्लास बुरा कर रही है। तो उसका अगर हम एवरेज निकालेंगे स्कोर का क्लास का, तो हमें आइडिया हो जाएगी क्लास कैसे कर रही है। कोई इंडिविजुअल अगर अपना एवरेज प्राइस जानना चाहता है आइटम्स का, जो उन्होंने आइटम्स परचेस किया है, या कोई पर्सन जानना चाहता है अपना एवरेज टेलीफोनिक एक्सपेंडिचर या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर या पेट्रोल एक्सपेंडिचर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, या कोई मैनेजर अपना इंटरेस्टेड है जानने के लिए कि उनका एवरेज सेल्स पर टेरिटरी क्या है, या एवरेज ग्रोथ रेट मंथ दौरान मंथ क्या है। तो इससे पता लगता है कि एवरेज का रेलेवेंस क्या है। और एवरेज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ना कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के प्रॉब्लम सेक्शन में, बल्कि ये डीआई के सेक्शन में भी पूछा जाता है। व्हाट इज़ एवरेज? एवरेज क्या है? एवरेज का डेफिनेशन है, इफ़ ऑल द आइटम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, व्हाट ईच विल गेट दैट ईच इक्वल वैल्यू इज सेट टू बी एवरेज। अगर जो भी आइटम्स हैं उसको कुछ लोगों में बांटते हैं, तो जो सेम इक्वल अमाउंट, इक्वल वैल्यू जो हर एक आदमी को मिलेगा, वो जो इक्वल अमाउंट हर एक, या इक्वल वैल्यू हर एक आदमी को मिलेगा, उसी को ही हम एवरेज कहते हैं। और इट इज़ अ सिंगल वैल्यू दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग एन एंटायर ग्रुप और एन इंडिकेटिव ऑफ ए ग्रुप ऑफ वैल्यूज़। एवरेज एक सिंगल वैल्यू है जो कि पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, एंटायर ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। एवरेज का फॉर्मूला अगर हम देखें, तो एवरेज का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल आइटम्स इन द ग्रुप अपॉन नंबर ऑफ ऑल आइटम्स इन द ग्रुप, या सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जितने भी आइटम दिए गए हैं उन सबको ऐड करके डिवाइड बाय कितने आइटम्स है, वो नंबर ऑफ ऑल आइटम्स से हम डिवाइड कर देंगे, तो उससे हमें एवरेज मिल जाएगा। अगर हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में देखेंगे, तो एक्स को अगर हम एवरेज मानते हैं, तो एवरेज एक्स इज इक्वल टू जितने भी आइटम्स हैं सेम, उनको सबको ऐड करिए, X1, X2, X3, डैश 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 XN तक, और एन डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स एन। हेयर X1, X2, X3, डैश 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 XN रिप्रेजेंट द एन वैल्यू ऑफ क्वान्टिटी अंडर कंसिडरेशन एंड एक्स इज द मीन। जैसे कि बताया, एक्स मीन है, और जो भी X1, X2, X3, XN तक लेके, वो N वैल्यूज़ है क्वांटिटी की। इन सबको ऐड किया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड किया, तो एवरेज निकल आया। एवरेज और मीन, मीन का दूसरा नाम एवरेज है, या एवरेज का दूसरा नाम मीन है। सेट टू बी ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या सेंट्रल वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा। तो अगर डेटा दिया गया है, ऐसे ऐसे ऑब्जर्वेशन दिया गया, तो एवरेज क्या उसका सेंट्रल वैल्यू जो, या सेंट्रल टेंडेंसी बोला जाता है। एवरेज हमेशा बीच की वैल्यू आती है इन जो भी हमें ऑब्जर्वेशंस या आइटम्स दिए गई हैं। तो एक एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। अगर एवरेज निकालनी है हमें 8, 9, 12, 13, 15, 9, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या था हमारा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस या आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस किया हमने यहाँ पे, 8 प्लस 9 प्लस 12 13 15 प्लस 9, एंड ये कितनी है, ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड कर दिया, जो किया है 66/6 एंड 11। सो 11 हो गया है हमारा एवरेज। तो एक सिंपल एग्जांपल्स लिया गया है। ओके, अगला जो है ये है प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज। तो इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ है। पहली प्रॉपर्टी है, द एवरेज ऑफ एनी टू और मोर क्वान्टिटीज नेसेसरली लाइज बिटवीन द लोएस्ट एंड द हाइस्ट वैल्यूज ऑफ द गिवन डेटा। तो अगर यहाँ पर अगर हम डेटा अगर दिया है जिसका एवरेज निकालना है, मान लीजिए 2, 3, 4, 5,
सिक्स सेवन एट नाइन अगर ये डेटा दिया है तो एवरेज जो होगा वो इन जो लोवेस्ट है टू और जो हाईएस्ट है नाइन इसके बीच में ही एवरेज रहेगा। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टीज़ है। सेकंड प्रॉपर्टी है इफ़ द वैल्यूज ऑफ द गिवन डेटा आर इक्वल देन द एवरेज विल ऑल्सो बी द सेम एज ऑब्जर्वेशंस। अगर जो ऑब्जर्वेशंस दी है, अब इसमें जो एग्जांपल लिया है इसमें जो है ऑब्जर्वेशंस अलग अलग है। मान लीजिए ये एक लिया है एग्जाम्पल जिसमें सारी ऑब्जर्वेशंस थ्री 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 है, तो उसका जो एवरेज होगा वो भी सेम होगा थ्री। थर्ड प्रॉपर्टी है इसका इफ़ द वैल्यू ऑफ ईच आइटम इज़ इंक्रीज्ड डिक्रीज्ड मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय द सेम वैल्यू पी देन द एवरेज ऑफ द ग्रुप विल ऑल्सो बी इंक्रीज्ड डिक्रीज्ड मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय द सेम वैल्यू पी। ऊपर वाला जो एग्जांपल हम देखते हैं इसमें अगर हमने वैल्यू ऑफ ईच आइटम बढ़ाई है पी से तो जो एवरेज जो इसका निकलेगा, पहले जो एवरेज निकलता था वो भी इसका जो नया एवरेज होगा वो भी पी से बढ़ जाएगा। वैसे ही सेम अगर हमने उसका ईच आइटम को डिक्रीज़ किया पी से तो पहले जो एवरेज निकला था उससे जो नया एवरेज निकलेगा वो भी डिक्रीज्ड हुआ होगा पी से। और अगर थर्ड केस में अगर पी से मल्टीप्लाई करते हैं ईच आइटम को तो जो एवरेज पुराना निकला था वो भी पी से मल्टीप्लाई होके नया एवरेज बन के आएगा। सेम अगर डिवाइड का भी केस है कि अगर ईच आइटम को डिवाइड किया जाता है पी से तो जो एवरेज है वो भी उसका नया एवरेज जो निकलेगा वो भी डिवाइडेड बाय वैल्यू पी से होगा। आशा आप थर्ड वाला प्रॉपर्टी समझ में आया होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं इफ़ द सेम वैल्यू इज एडेड टू हाफ ऑफ द क्वांटिटीज एंड द सेम वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अदर हाफ क्वांटिटीज देन देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द फाइनल वैल्यू ऑफ द एवरेज। तो अगर मान लीजिए ये आठ, ऊपर वाला एग्जाम्पल लेते हैं आठ जिसमें नंबर ऑफ आइटम्स हैं और शुरू के चार को अगर हम एक क्वांटिटी से इंक्रीज करते हैं और जो बाकी की लास्ट की चार हैं उसको हम पी क्वांटिटी से डिक्रीज करते हैं तो जो पहले एवरेज निकलता था और बाद में जो वैल्यू ऐड और डिक्रीज करने से निकला है जो एवरेज है वो सेम रहेगा। फिफ्थ है द सरप्लस अबव द एवरेज इज ऑलवेज इक्वल टू द नेट डेफिसिट बिलो एवरेज। तो एवरेज के ऊपर जो सरप्लस है वो इक्वल रहेगा एवरेज के बिलो जो नेट डेफिसिट है। इसका एग्जाम्पल एक करके मैं आपको दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैलरी ऑफ पी क्यू आर एस टी यू, छः लोग हैं ये जिनकी सैलरी है 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000 पर मंथ रिस्पेक्टिवली। तो एवरेज सैलरी जो निकलेगा वो 10,500 है। सेम सबको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर सिक्स, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सिक्स किया तो इसका एवरेज आ गया 10,000। तो हम देखेंगे कि सम ऑफ सैलरीज अबाउट 10,500, 10,500 यहाँ पर आएगा इन दोनों के बीच में। तो इससे जो ऊपर है ये तीन वैल्यूज़ हैं 11,000, 12,000, 13,000, तो सम ऑफ सैलरीज हो गया इसका 36,000, 36,000। तो एवरेज सरप्लस निकाला हमने 36,000 डिवाइड बाय 3 माइनस ये जो एवरेज है तो एवरेज सरप्लस हो गया 1,500। ऐसे ही अगर हम देखते हैं सम ऑफ सैलरीज बिलो 10,500 जो कि एवरेज है, तो इनसे जो बिलो हैं ये हैं 8, 9, 10 ऐड करने पे 27,000 आ गया। तो एवरेज डेफिसिट जो निकाला है 10,500 माइनस ये वाला 27,004 और ये तीन वैल्यू हैं डिवाइड बाय 3, सो ये भी हो गया है 1,500। इसीलिए एवरेज सरप्लस जो निकला था और एवरेज डेफिसिट जो निकला है 1,500 ये सेम है। तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है जो एवरेज सरप्लस इज इक्वल टू एवरेज डेफिसिट। अगला जो कॉन्सेप्ट है ये है वेटेड एवरेज का। अभी तो हम जो एवरेज निकाल रहे थे ये एक सिंगल सेट या सिंगल ग्रुप का निकाल रहे थे। तो जब हमें एवरेज ऑफ ग्रुप्स निकालना है या एवरेज ऑफ सेट्स निकालना है एंड ईच हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उस एवरेज निकालने को हम कहते हैं वेटेड एवरेज। अगर हमें पूछा जाए कैलकुलेट करने के लिए कंबाइंड एवरेज मार्क्स ऑफ बोथ सेक्शंस क्लास 10th A and 10th B, और 10th A का अगर एवरेज है 60% और 10th B का अगर एवरेज है 70%, तो अगर हमें एवरेज दोनों का निकालने दिया जाए और अगर हम 65% निकालते दोनों का एवरेज 60+70/2 करके, तो ये 65% एवरेज जो निकाला ये गलत है।
क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि टेंथ ए में कितने बच्चे हैं और टेंथ बी में कितने बच्चे हैं। इस वेटेड एवरेज निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जानना ज़रूरी है कि बोथ सेक्शंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, तो ये नीचे टेबल दिया है, टेंथ ए में 60 है, टेंथ बी में 70 है। तो अगर हमें इसका एवरेज निकालना है तो हमें ये जानना पड़ेगा कि टेंथ ए में कितने बच्चे हैं, टेंथ बी में कितने बच्चे हैं। इसका अगर फॉर्मूला अगर हम देखें वेटेड एवरेज का, एलिमेंट्स जो देखें एन डिफरेंट ग्रुप्स में, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स देखें हम x1, x2, x3, x4, xn और एवरेज जो है ग्रुप्स का a1, a2, a3, a4, an, तो वेटेड एवरेज जो निकलेगा वो x1 इंटू a1, x2 इंटू a2 प्लस x3 इंटू a3 प्लस डैश 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 xn इंटू an डिवाइड बाय x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn। ये वेटेड एवरेज का फॉर्मूला है। इस वेटेड एवरेज को हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि एवरेज सैलरी ऑफ 12 पीपल ऑफ ऑफिस ए इज़ 18,000 पर मंथ एंड 15 पीपल ऑफ ऑफिस बी इज़ 16,000। तो अगर ऑफिस ए मैं यहाँ लिखता हूँ और इसमें 12 पीपल हैं और इनका जो सैलरी है एवरेज ये 18,000 है, वैसे ही बी का है 15 पीपल और इनकी एवरेज सैलरी है 16,000। अगर हमें बोला जाए कि एवरेज निकाल दो 27 पीपल का या टोटल इनका, तो 18,000 प्लस 16,000 अपॉन 2 हम करेंगे, ये बिल्कुल गलत होगा। इसके लिए हमें वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा जो कि है 12 इंटू 18,000 प्लस 15 इंटू 16,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीपल हैं 12 प्लस 15, जो कि यहाँ किया गया है। आप देखेंगे 12 इंटू 18,000 प्लस 15 इंटू 16,000 अपॉन 12 प्लस 15, जो कि आंसर आया इसका एवरेज 16,888.88। तो ये है कॉन्सेप्ट वेटेड एवरेज का। चलिए देखते हैं एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ एवरेज कर सकते हैं। एवरेज के जो एप्लीकेशंस हैं वो एजेस की जो प्रॉब्लम्स है उसमें आ सकती है, इनकम सैलरी की प्रॉब्लम्स में एवरेज के कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, स्पीड डिस्टेंस टाइम के जो प्रॉब्लम्स है उसमें एवरेज यूज़ होता है, मिक्सचर्स में यूज़ होता है और जो सीरीज़ ऑफ नंबर है उसमें यूज़ होता है। तो देखते हैं एवरेज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस अगर क्या है। इफ़ द एवरेज ऑफ एन मेम्बर्स ऑफ फैमिली इज एक्स ईयर्स, देन के ईयर्स बैक या एगो द एवरेज ऑफ फैमिली इज एक्स माइनस के ईयर्स। अगर एन मेम्बर्स का एवरेज एज है एक्स, तो के ईयर्स बैक कितना होगा एक्स माइनस के। सेम अगर एक्स है तो के ईयर्स लेटर या हेंस कितना होगा एक्स प्लस के। तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ता है एवरेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एग्जांपल हम देखें, ऐसा एग्जांपल तो एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं आएगा, ये जस्ट आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि एजेस के प्रॉब्लम्स में कैसे एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। ये सिंपल प्रॉब्लम एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछे जाएंगे। हम जब आगे के पार्ट 2, 3, 4 जब मैं बनाऊँगा उसमें मैं आपको अच्छे टाइप के प्रॉब्लम्स दूंगा जो कि एग्ज़ाम बेस्ड रहेंगे और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करूँगा। सो एवरेज एज ऑफ 10 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली इज 30 ईयर्स। 10 मेंबर्स का एवरेज एज 30 ईयर्स है। एवरेज एज ऑफ सेम फैमिली 5 ईयर्स अगो, ये 30 ईयर्स है ये प्रेजेंट है, तो 5 ईयर्स अगो कितना हो जाएगा 30 माइनस 5 यानी कि 25। चलिए देखते हैं अभी एवरेज प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इनकम सैलरी। इनकम इज इक्वल एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये आपका फॉर्मूला है। जो भी इनकम हुई है वो आपकी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग में के बराबर होती है। से एक्सपेंडिचर कर दिया और जो बचा है उन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपकी इनकम निकल आएगी। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। एवरेज सैलरी ऑफ रमेश, सुरेश, अमित इज़ 8,000 और एवरेज एक्सपेंडिचर इन तीनों का है 5,000।
सो एवरेज सेविंग कितनी हो गई, सेम इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, और सेविंग निकालना है हमें, तो इनका इनकम कितना है 8 माइनस 5 3, यानी कि 3000 इनकी सेविंग हो गई है, जो कि यहाँ पे सॉल्व किया गया है। ओके, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है स्पीड डिस्टेंस टाइम का, और इसका फॉर्मूला है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, अजय जो दिल्ली से पंजाब जाते हैं, स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, और रिटर्न आते हैं 60 किलोमीटर पर आवर से, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड, क्या है उनका। तो एवरेज स्पीड अगर कैसे निकालते हैं इस फॉर्मूले से, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, और अगर इनका डिस्टेंस डी मानते हैं दिल्ली पंजाब का, तो पंजाब से दिल्ली का भी डिस्टेंस डी रहेगा। सो टोटल डिस्टेंस क्या है उनका, डी प्लस टी डिवाइड बाय टोटल टाइम, टाइम कैसे निकलता है, डी बाय एस। तो डी इनका क्या हो गया, पहला डी बाय एस, पहला जो दिल्ली से पंजाब जा रहे हैं डी अपॉन 40, और ये वापस आ रहे हैं पंजाब से दिल्ली डी अपॉन स्पीड 60। तो ये कॉमन ले लिया है, डी डी यहाँ पे कट गया है, सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा 48 किलोमीटर पर आवर। सो एवरेज स्पीड हो गई है इनकी 48 किलोमीटर पर आवर। मिक्सचर्स में कैसे देखिए एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, 6 kg ऑफ राइस कॉस्टिंग ₹12 मिक्सड विथ 8 kg ऑफ राइस कॉस्टिंग ₹10, फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। ओके, तो जो 6 किलो का राइस है जो कि ₹12 उसका दाम है, मिक्स किया है 8 kg ऑफ राइस, इसका दाम है 10, तो एवरेज क्या हो गया मिक्सचर का कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। तो कॉस्ट निकाला है हमने 6 किलो का राइस का, 12 × 6 72, वैसे ही 8 kg राइस निकाला है, 8 × 10 ₹80। टोटल कितना हो गया है राइस का kg, 8 + 6 14 kg, और इनका प्राइस कितना हो गया है 152, इन दोनों को ऐड किया एवरेज निकाल दिया हमने, सीधे आया 10.85। तो एवरेज का कॉन्सेप्ट मिक्सचर्स में यूज़ किया है। एवरेज ऑफ सीरीज ऑफ नंबर्स, तो यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूले डाल दिए हैं जिसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं एवरेज निकालने के लिए। तो पहला जो फॉर्मूला है वो एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, कैसे निकलेगा वो, n+1/2। सेकेंड है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, जो कि है n+1। थर्ड है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इज इक्वल टू एन। फोर्थ है एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2, इससे निकल जाएगा एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। फिफ्थ है एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, n+1 × 2n+1 डिवाइड बाय 6, इससे निकलेगा आपका एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। सिक्स्थ है एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, तो ध्यान रखिएगा पहले स्क्वायर्स का निकाला था एवरेज, अभी हम क्यूब्स का निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला है n × n+1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। सेवन्थ है एवरेज ऑफ एन मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर, एन मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर का एवरेज अगर निकालना है तो नंबर जो है n+1/2। एवरेज ऑफ वन टू एन ऑड नंबर्स, लास्ट ऑड नंबर जो भी है +1/2, इस फॉर्मूले से एवरेज निकलेगा। अगला है एवरेज ऑफ वन टू एन इवन नंबर्स, तो लास्ट इवन नंबर +1 डिवाइड बाय 2, इससे आपका एवरेज ऑफ वन टू एन इवन नंबर्स निकलेगा। टेंथ है इफ़ देर आर पी प्लस क्यू एलिमेंट्स इन सेट और ग्रुप, बट द एवरेज ऑफ पी एलिमेंट इज आर एंड द एवरेज ऑफ क्यू एलिमेंट इज एस, देन द एवरेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट और ग्रुप इज पी आर प्लस एस क्यू एंड डिवाइड बाई पी प्लस क्यू। तो ये हो गया नंबर्स के लिए। और अगर एक एग्जाम्पल देखते हैं, ए स्टूडेंट वॉज आस्क टू फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग 12 नंबर्स, ये 12 नंबर जो दिए हैं इनका स्टूडेंट को मीन निकालने के लिए बोला गया था। ही फाइंड द मीन टू बी 12, उन्होंने मीन निकाला 12 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जो ये 12th नंबर है ये इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है।
तो एवरेज कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले में सबको ऐड करना है, डिवाइड बाय 12 करना है, जो कि एवरेज मीन उन्होंने निकाला हुआ है, इसको इक्वेट कर दिया है 12 से। तो सॉल्व किया है, इस सॉल्व करने से एक्स की वैल्यू निकाल दी है जो कि आई है 7। तो ये तो सिंपल सवाल, ऐसा सवाल बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, जस्ट ये कॉन्सेप्ट वीडियो है तो सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आगे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, एग्जांपल टू हम लेते हैं, इसमें पूछा गया है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 9 प्राइम नंबर्स इज, और ऑप्शंस दिए हैं ए बी सी डी। सॉल्यूशन है इसका, जो प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2, उसके बाद 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23। सो ये 9 प्राइम नंबर्स हैं, और एवरेज निकालने के लिए सबको ऐड किया, डिवाइड बाय टोटल कितने हैं ये 9, आंसर आया इसका 11 1 बाय 9। सो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया है। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो फ्रेंड्स, और जो मेरी अगली वीडियो होगी एवरेज की, इसमें हम प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे एवरेज के। आपसे रिक्वेस्ट कि आप हमारा चैनल प्रेप इंडिया सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो आने वाले एग्ज़ाम्स है आपके लिए, उसके लिए गुड लक for exams and do the best. Thank you very much for watching the video. See you in the next video.